देश में कोरोना संकट काल छाया हुआ है। इस माहौल में जहां लोग एक दूसरे की हर संभव मदद कर रहे हैं, वहीं निजी हॉस्पिटल अपनी मनमानी करने से नहीं थक रहे हैं। जी हां, कहने को तो रायपुर का NHMMI हॉस्पिटल सभी सुविधाओं वाला बताया जाता है, लेकिन TCP24 को ऐसे सबूत और गवाह मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि हॉस्पिटल सिर्फ पैसे लूटने के लिए अपनी सुविधाओं का झांसा देते हैं। जरा सुनिए। उन्होंने बोला कि नहीं, सैंपल नंबर तो चेंज ऐसे ही हो गया होगा, बार कोड की वजह से प्रॉब्लम हो गई होगी, और दूसरा टेस्ट हमने नेक्स्ट डे किया जब पहली रिपोर्ट आ जाती है। मतलब उन्होंने बिल्कुल पूरी बातें घुमा दी। और मैंने बोला कि आपकी सबसे बड़ी गलती कि आप मुझे रिपोर्ट्स तो टाइम पे दे देते। तो बोला कि आप मुझे पता नहीं, स्टाफ हमारे यहाँ चेंज होते रहते हैं। दूसरी ओर जब इसे लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन से बात की गई तो पहले उन्होंने जानकारी न होने का हवाला दिया और फिर TCP24 चैनल को बाइट देने से भी इनकार कर दिया। मतलब राजधानी के बड़े हॉस्पिटल का ये हाल और लापरवाही का ये आलम, कभी डेट दूसरी तो कभी सैंपल नंबर दूसरा, जो खुद ही बताता है कि हॉस्पिटल आपको कितनी सुविधाएं देता होगा। इस हॉस्पिटल में लोग अपना इलाज कराते हैं और तो और इनके पूरे चार्जेस भी अदा करते हैं। तो आप भी चाहेंगे कि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, लेकिन जो मामला सामने है वो अस्पताल की विश्वसनीयता पर सवाल खुद ब खुद खड़ा करता है। TCP24 के लिए नितिन नामदेव की रिपोर्ट।